हाँ तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो गाइस, इस तरह का एडिटिंग करने के लिए आप सभी को कुछ मटेरियल्स को डाउनलोड करना है। लिंक आप सभी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप सभी लोग डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आप सभी को मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है और आप सभी को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट फाइल है उसे अलर्ट में से ऐप के अंदर इम्पोर्ट कर लेना है, यानी कि शेयर कर लेना है। फिर यहाँ पे आप सभी को अलर्ट में से एप्लीकेशन को पिन करना है और फिर यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट सेक्शन पे। और उसके बाद यहाँ पे जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिरिक्स का वीडियो उसे ऐड करना है, तो इसके लिए यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है और फिर मीडिया पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे 10:30 मिलीसेकंड यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आप सभी को बीट मार्क पे फोटोज ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है जिससे सारे फोल्डर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जिस फोल्डर में फोटो उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से फोटो को ले लेना है और फिर यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे फिल कॉम्पोजिट एरिया कर देना है। और अगर आप फोटो को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे चले जाना है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है और फिर फोटो लेयर पे क्लिक करना है, इसे कट कर देना है। उसके बाद बैक जाना है, फिर से प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, दूसरे एक फोटो को ले लेना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिट एरिया कर देना है, फिर इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे कट कर देना है। तो इस तरह से जो आप सभी को लास्ट तक सारे फोटोज को ऐड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे सारे फोटोज ऐड हो जाते हैं उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है और यहाँ पे जो सेकेफिक प्रोजेक्ट इसे ओपन करना है और फिर यहाँ पे नीचे आपको दो छोटे लेयर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर इस प्रोजेक्ट से बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और फिर राइट की तरफ चले जाना है और जहाँ से आपने फोटोज ऐड किया था यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे जितने भी सिंगल बीट मार्क होगा, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे एक डंडी होगा उसके नीचे जो भी फोटो होगा वहाँ पे इस पहले इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है, जितने भी सिंगल बीट मार्क होगा उसके नीचे जो फोटो होगा वहाँ पे इस इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ और एकदम आपको लास्ट तक जो है इस इफेक्ट को अप्लाई करना है जहाँ पे आपको सिंगल बीट मार्क दिखेगा। तो यहाँ पे डबल बीट मार्क है तो यहाँ पे आपको छोड़ देना है और फिर से सिंगल बीट मार्क है तो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से मैं जो है लास्ट तक अप्लाई कर देता हूँ। तो लास्ट तक जैसे अप्लाई कर देते हैं उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है, फिर से यहाँ पे सेकेफिक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो सेकेंड लेयर दिख रहा है यहाँ पे आपको सबको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को ओके पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे भी कॉपी इफेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से बैक चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पे राइट की तरफ चले जाना है और यहाँ से अपने फोटो ऐड किया था यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जितने भी डबल बीट मार्क दिखेगा यानी कि दो डंडे दिखेगा इसके नीचे जो फोटो मिलेगा वहाँ पे इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, बस आपको फोटो लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपको सारे डबल बीट मार्क के नीचे जो फोटो मिलेगा वहाँ पे इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, यानी कि जो फर्स्ट आपको इफेक्ट मिलेगा वो आपको जो सिंगल बीट मार्क है उसके नीचे फोटो में देन डालना है और जो सेकेंड जो इफेक्ट है उसे आपको जो वहाँ पे डबल बीट मार्क देखेगा वहाँ पे इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपको लास्ट तक जो इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। लास्ट तक इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है, फिर से यहाँ पे सेक इफेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पे ऊपर आपको चार लेयर देखने को मिल जाएगा। तीन चारों लेयर को आप सभी को कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और इस तरह से चारों को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे डबल डबल पे क्लिक करना है और कॉपी फोर लेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है, फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे डबल डबल पे क्लिक करना है और फेस्ट फोर लेयर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक एचडीएस लुक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो प्रोजेक्ट बनने के बाद यहाँ पे बस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को जो एक्सपोर्ट कर लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस तरह के और भी मस्त वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।